आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी, फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट हुई वायरल, मुकदमा दर्ज। निकाय चुनाव से पहले सपा रालोद गठबंधन, 3 सीटों पर सपा ने उतारे प्रत्याशी, रालोद 2 दिन में लिस्ट करेगा जारी। बरेली में महापौर टिकट के लिए खींचतान, सपा में टिकट मिलने के बाद शुरू हुई गुटबाजी, बसपा ने टिकट होल्ड पर रखा। बांगरमऊ में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, नपाध्यक्ष पद के लिए 26 ने कराया नामांकन, सुरक्षा के रखे सख्त इंतजाम। इमरान मसूद ने यूपी कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, सहारनपुर में बोले अब तो हमें भी डरने लगने लगा क्योंकि हमें कोई गोली न मारती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर एएमयू साइन किया है। वहीं आपको बता दें कि टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र योजना के तहत बनेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा क्या कुछ, चलिए आपको सुनाते हैं। पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था कानपुर के सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए, अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति पैदा हुई, हैंडलूम और पावर लूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी तब तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है। और उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला का निधन हो गया है। उन्होंने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। काफी दिनों से शारदा प्रताप शुक्ला बीमार चल रहे थे। वहीं निधन के बाद सरोजनी नगर क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि शारदा प्रताप शुक्ला सरोजनी नगर क्षेत्र के लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। सरोजनी नगर के रहीम नगर इलाके के पडियाना गाँव निवासी शारदा प्रताप शुक्ला ने राजनीति के मैदान में काफी दूरी तय की थी। शारदा प्रताप शुक्ला सरोजनी नगर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। एक बार उन्हें यूपी सरकार में मंत्री बनाया गया है। सरोजनी नगर इलाके के कार्यकर्ता उनके निधन की सूचना के बाद उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने नेता की मौत पर शोक जताया। वहीं सरोजनी नगर से वर्तमान विधायक राजेश्वर सिंह ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, स्तब्ध हूं, निशब्द हूं। सरोजनी नगर भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य पूर्व मंत्री श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना शोक संपत्त परिजनों के साथ है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। पीलीभीत में जन संवाद कार्यक्रम में सांसद वरुण गांधी अपनी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। वरुण गांधी ने कहा कि आज जब हम आप थाने पर या पेंशन और आवास के लिए जाते हैं तो आपको लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, ये सब एक गुलामी से कम नहीं है। उन्होंने जनता को आज भी नेताओं और अफसरों का गुलाम बताते हुए सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम पीलीभीत में लगभग 35 सालों से राजनीति कर रहे हैं। मेरी माँ देश की सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। मैं 3 बार से सांसद हूँ। क्या मैंने कहीं कॉलोनी काटी? क्या हमारा कोई घर है, बड़ा मकान है? कोई और होता तो महल बना लेता। जो हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, आजकल 5-5 गाड़ियों के काफिलों में चलते हैं। बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखिए बीजेपी सरकार पर उनके ही सांसद ने तीखे हमले बोले हैं। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी तो अब 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे,
जहां वो दूसरे दिन एक जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ तमाम आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो जनसंवाद कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अफसर और जो तमाम सरकारी सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि चाहे आवास हो या किसी भी काम हो, कार्य के लिए आम जनमानस जब जा रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार बन रहा है और भ्रष्टाचार के बाद ही उसके काम हो रहे, यानी कि रिश्वतखोरी को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। आपको बताएं नंदनी कि इसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वैसे मैं एक लंबे अरसे से सांसद हूँ, मेरी माँ देश की वरिष्ठ सांसदों में से एक है और मेरे पास ना कोई बड़ा बंगला है और ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी, मगर जो लोग मेरे साथ हुआ करते थे और कहीं ना कहीं वो विपक्ष में गए तो उनके पास गाड़ियों की काफिला के लेकर घूमते हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हमारे पीछे रहते थे वो आज चप्पल उठाने का काम किया करते थे, वो आज पांच गाड़ियां लेकर घूमते हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति में रहते हुए किसी भी इस तरह का कृत नहीं किया कि कहीं मैं प्लॉटिंग करूं या किसी तरह से धन उगाही करूं। हम आम तौर पर जनता की सेवा करते आए हैं, मैं और मेरी माँ, उनके शब्द ये हैं कि मैं और मेरी माँ एक लंबे अरसे से सांसद है और देश की वरिष्ठ सांसदों में से एक मेरी माँ है, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि चीजों को बदलना होगा। साथ ही उन्होंने अगर देखे तो अतीक अहमद के एनकाउंटर के बाद उन्होंने एक इशारों में उन्होंने कहा कि आज एक समाज को डराया जा रहा है जो कि गलत है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम मजबूत होगा। और कहीं ना कहीं देखे तो उन्होंने कहा कि देश के का जो एकता है, अखंडता है, उसको बरकरार रखने के लिए अब जो शीर्ष नेता है उनको एक कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ से एक फैसला देना चाहिए, एक मिसाल पेश करने के कार्य किए जाने चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार वरुण गांधी संवादों के अंदर में अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। चाहे बात की जाए तो किसान आंदोलन हो, चाहे बात की जाए ये एनआरसी हो, चाहे बात की जाए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश के अंदर में प्रदेश के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद की निर्मम तरीके से हत्या पुलिस सुरक्षा के दौरान जो हुई उसको भी लेकर अब वो सवाल उठाते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगभग साल भर के भीतर चुनाव है, क्या वरुण गांधी जो अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी को छोड़कर और कांग्रेस जा सकते हैं, इस पर आने वाले समयों में साफ हो पाएगा, मगर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इसका पलटवार कोई नेता करते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी तमाम जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। खबर कानपुर से है जहां पर नजीर फातिमा के प्लॉट पर कब्जा और आगजनी के मामले में आरोपित सपा विधायक इरफान सोलंकी की अदालत में पेशी हुई। इस मामले में उन्हें महाराजगंज जेल से लाया गया। आरोपित सपा विधायक इरफान सोलंकी से जब अतीक हत्याकांड पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पेशी के दौरान मीडिया को भी न्यायालय तक नहीं जाने दिया गया। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाह से 5.5 घंटे तक बहस की। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी थी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, देखिए सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी हुई थी, उनसे अतीक हत्याकांड के मामले में पूछा गया जिसको लेकर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसको लेकर? मैं बता दूं कि इरफान सोलंकी लगातार कानपुर कोर्ट लाया जा रहा है क्योंकि इरफान सोलंकी जो है महाराजगंज थाने के महाराजगंज जेल में बंद है, क्योंकि कानपुर से कुछ थोड़ा पहले ही महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया सुरक्षा दिवस में, जिसके चलते लगातार जब भी तारीखी होती है तो इरफान सोलंकी को पिछली यहाँ पे आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लगातार इरफान सोलंकी के जो वकील थे वो भी इस चीज के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे थे कि जो इरफान सोलंकी की पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर दी जाए ताकि उनको आने में थोड़ा दिक्कत ना हो, क्योंकि लगभग कानपुर से महाराजगंज की दूरी 400 किलोमीटर की है और
इसमें काफी समय भी जाता है, तो जिसके चलते कल कानपुर इनको हाजिर किया गया था। हाजिर करने के बाद ही जिस हिसाब से इलाहाबाद में प्रयागराज में अधिक हत्याकांड हुआ था, उसके बाद कानपुर में पत्रकारों को भी पुलिस ने बात करने से मना कर दिया गया था और काफी दूरी बनाई गई थी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज की बात की जाए तो कानपुर में पूरे सप्ताह इंतजाम कर दिए गए थे ताकि इरफान सोलंकी के पास कोई दूसरे पर भटक सके और कोर्ट में जाने के लिए मेटल डिटेक्टर का भी प्रयोग किया गया था। साथ ही लगभग कल इरफान सोलंकी 11 बजे कानपुर कोर्ट आ गए थे। कानपुर कोर्ट आने के बाद लगभग 5 से 5.5 घंटे उससे गिरे हुई जिन्हें होने के बाद में बचाव पक्ष भी उसमें लगा रहा। बचाव पक्ष में इरफान सोलंकी की तरफ से लगभग 3 वकील कोर्ट में पहुंचे थे और कोर्ट में पहुंचने के बाद में जो आरोपी था आरोपी से भी क्रॉस क्वेश्चन किए गए। तो लगातार क्रॉस क्वेश्चन के बाद में और जब कल पूरी सुनवाई नहीं हो सकी थी तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इरफान सोलंकी की आज भी पेशी हो रही है और उससे धीरे चल रही है। तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के मामले में लगातार कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आती जा रही है। इसके अलावा बता दूं कि कल इनकी वाइफ ने भी इरफान सोलंकी की वाइफ ने सुरक्षा की मांग की थी क्योंकि उनका कहना था कि उनके घर की कोई रेकी कर रहा है और लगातार कोई ना कोई उनकी गाड़ियों के आगे पीछे घूमता रहता है, जिसके चलते कुछ ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने भी इसके मामले में जब इनसे बात की गई है तो उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जाँच की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी जाँच के लिए चीजें हैं और उनके घर के आसपास जो भी कैमरे लगे हैं जो पड़ी तो कैमरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और कैमरों की संख्या बढ़ाने के बाद में जो भी उन्होंने आरोप लगाया है उस पर जांच करेंगे। जांच में अगर ये सही पाया जाता है तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी, साथ ही अगर जांच नहीं कुछ भी नहीं पाया जाता है फिर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी क्योंकि लगातार जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश की प्रत्येक जनता के बारे में सुरक्षा की बात करते हैं तो उसी के तहत कानपुर पुलिस ने भी एक आश्वासन दिया है इनको कि हमारी आपकी सुरक्षा हमारी सेवा है तो आपकी सुरक्षा जैसे बिल्कुल तरीके से की जाएगी। हालांकि इरफान सोलंकी की जब पेशी की गई है पेशी करने के बाद लगभग 5 घंटे की जिरह चली, 5 घंटे की जिरह होने के बाद जो इनकी पेशी की गई थी वो MPMLA कोर्ट में की गई थी और MPMLA कोर्ट में हाजिर होने के बाद में इनसे जो प्रॉपर जवाब दिया गया, साथ ही जो भी इनके बचाव पक्ष था उसके वकील भी थे। इसके अलावा इनके भाई रिजवान अली भी कोर्ट में मौजूद थे, रिजवान अली के साथ शौकत अली भी मौजूद थे, शौकत अली के अधिवक्ता भी मौजूद थे। लगभग 5 घंटे 5.5 घंटे की काफी भीड़ चली। भीड़ होने के बाद में जब इरफान सोलंकी जब लंच होने के बाद फिर से सुनवाई चली थी, हालांकि समय अवधि कम होने की वजह से जो इनकी आगे की सुनवाई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर दी गई। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। गाजियाबाद में AVVP नेता को अतीक अशरफ जैसा हर्ष करने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को हत्याकांड से जुड़ा हुआ बताया है। वहीं धमकी की रिकॉर्डिंग भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि पीड़ित का कहना है कि वो AVVP छात्र संघ से जुड़ा हुआ है जिसके कारण उसको ये धमकी दी गई है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है जिसके बाद पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर की घटना ये बताई जा रही है। कांड का मास्टरमाइंड बताने वाला सिहानी का एक अमन त्यागी नाम का युवक मेरे को जान से मारने की धमकी देता है। वो बोलता है कि जैसे अतीक अहमद को मार दिया वैसे तेरे को मार देंगे। एक नंबर है उसका नंबर है, एक नंबर से मुझे कॉल आती है और कॉल आने के बाद उससे मैंने उससे पूछा ये नंबर तो किसी और का है, तो कह रहे कि नहीं है उसका फ़ोन छीन लिया है हमने और जैसा अतीक अहमद को मार दिया वैसे तुझे मार। आपको क्यों दी गई ये धमकी, क्या लगता है? ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैं छात्र संघ से भी हूँ तो कुछ राजनीतिक द्वेष से भी हो सकती है और मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मिश्रा जी जुड़ेंगे। प्रवीण, एबीपी छात्र को देखे अतीक अहमद और अशरफ जैसी हश्र करने की धमकी मिली है। जी बिल्कुल, देखिए नंदनी आपको बता दूं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहां पर संदीप ठाकुर जो कि एबीवीपी छात्र संघ के नेता हैं और जिनको अतीक अहमद और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई है उस तरह से साफ तौर पर वीडियो कॉलिंग यानी व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए उसको धमकी दी गई है। खासतौर पर जो पीड़ित है संदीप ठाकुर उसने तुरंत तत्काल इस पूरे मामले को गहनता से लेते हुए कहीं ना कहीं थाना विजयनगर में अपनी तहरीर दी है और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। हालांकि जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ के साथ जिस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है
उसको लेकर खासतौर पर ये जो व्यक्ति है जो अपराधी व्यक्ति बताया है जिसने व्हाट्सएप कॉलिंग की है खासतौर पर धमकी देते हुए ये भी बता रहा है कि जो हस्न जो जो हस्न हुआ अगर अतीक अहमद और अशरफ के साथ हुआ है वैसा ही उसके साथ किया जाएगा। खासतौर पर जिस तरह से पहली कॉल आती है उस तरह से पहली बार में जिस तरह धमकी का शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके बाद लगातार छात्र संघ जो है वो दूसरे मोबाइल से व्हाट्सएप कॉलिंग की रिकॉर्डिंग करता है और इसका जो वीडियो है वो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होता है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। अभी फिलहाल के लिए जिस तरह से एबीवीपी छात्र संघ के जो नेता हैं संदीप ठाकुर इनकी तहरीर लेकर तत्काल इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस अब तफ्तीश से जांच कर रही है इस पूरे मामले की। हालांकि किसने जो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की है उसके बाद साफ तौर पर जो धमकी देते हुए साफ तौर पर चूंकि रिकॉर्डिंग में जो व्यक्ति है जो धमका रहा है खासतौर पर अशरफ और असद उनके जो हमला हुआ है उनके ऊपर उसको लेकर हवाला देते हुए उनको धमका रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं जब ये पीड़ित जो है जब फोन करते हैं अपने किसी परिचित को तो परिचित का मोबाइल भी फोन जो उसकी अपराधी के हाथ में होता है। हालांकि वो इसको धमकी देते हुए ये भी बताता है कि जो जिसको तुमने फोन किया है वो भी हमारे कब्जे में है उसका फोन भी हमारे कब्जे में है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। पीलीभीत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जारी कर दी है। 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन होंगे। आगामी 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी जिसके बाद 27 अप्रैल को नाम वापसी होगी। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। 11 मई को मतदान और 13 मई को नतीजे आएंगे। वही उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह गौतम ने निर्वाचन टीम के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि प्रत्याशियों के साथ प्रस्तावक निर्वाचक अभिकर्ता एक सहयोगी समेत 3 लोग ही नामांकन कक्ष में जा पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमित पाल जुड़ेंगे। अमित पाल देखिए अधिकारी राम सिंह ने निर्वाचन टीम के साथ बैठक की है नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जी आपको बताते चलें कि ये यहां पर नगर निकाय चुनाव की तैयारी की गई है। वहां पर डीएम पुलके डीएम जी ने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की है और बताया है कि 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन होगा। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों पर 28 अप्रैल को चुनाव आवंटन होगा जिसके बाद में नामांकन प्रक्रिया 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक होगी। प्रमंडल कॉलेज नगर पालिका पीलीभीत के अध्यक्ष में सभागार प्रत्याशियों के अलावा नगर पंचायत नौगवा पगड़िया और जहानाबाद नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर नामांकन होगा जी और बरखेड़ा सहित पूरनपुर कई स्थलों पर अमरिया विकास खंड नगर पंचायत में नामांकन किया जाएगा जिसके बाद तहसील कार्यालय में कक्ष बैठक होगी। अमित बैठक के बाद क्या क्या वहां पर तैयारियों में देखने को मिल रहा है? जैसे कि यहां पे बताया जाता बताते चले आपको कि यहां पर पूरी तरह से पूरी व्यवस्था की गई है जैसे कि होल्डिंग और वगैरह ये सब हटा दिए गए हैं और जो पुराने कक्ष 5 बिल्डिंग में होगा और जो है डमंडट कॉलेज में पूरी तरह से पीलीभीत के डमंडट कॉलेज में चुनाव की तैयारी की गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित। यूपी में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और निकाय चुनाव पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 458 नए मामले दर्ज किए गए हैं जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3.693 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 119 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ लखनऊ में कुल 875 सक्रिय मरीज हैं। बता दें कि यूपी में 4 मई को नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। इसके लिए सीएम योगी ने सभी तैयारियां पूरे करने के इसके पहले ही निर्देश दे चुके हैं। शाहजहांपुर के दुर्गा होटल में एमडीएम की नई ब्रांच का शुभारंभ किया गया। ब्रांच का शुभारंभ इंडिया की मशहूर मॉडल रह चुकी और दिल्ली से आई एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मीनाक्षी दत्त ने फीता काटकर किया। इस दौरान मीनाक्षी दत्त ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना उनका सपना है। उनके पास मेकअप इंडस्ट्रीज का 25 साल का लंबा तजुर्बा है और उनकी पूरे इंडिया में अब तक 21 ब्रांच हो गई है। वही शाहजहांपुर ब्रांच की एसोसिएट पार्टनर रूही खान ने मुख्य अतिथि के रूप में मीनाक्षी दत्त और उनके परिवार का परिचय कराया। इस दौरान कार्यक्रम में रूही खान के चाचा खालिद खान और एडवोकेट सबा खान समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमें ग्लैमरस दिखना है, हम ट्राई करते हैं हम कि जैसे इंडिविजुअलिटी कैसे लाते हैं। सो हर लड़की आजकल आप देखेंगे स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़
जैसे मैंने अपने हेयर कलर किया वैसे ही वो अपने मेकअप के साथ भी प्ले करती हैं। तो हम MDM एकेडमी में स्टूडेंट्स को ये भी सिखाते हैं कि ये प्रोफेशनली ऐसे एस्पेक्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, नॉट दैट कि सिर्फ क्रिएटिव कैसे रहना है, बट ऑल्सो कि अगर आप मेकअप कर रहे हो तो इस मेकअप को हर क्लाइंट के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से कैसे मैच करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जो हम टेक्निक्स ऑफर करते हैं, जो हम उनको थ्योरी क्लासेस देते हैं कलर के बारे में। मैं पहली बार आई हूँ और ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो कभी नहीं मैं यहाँ पे अपने MDM ब्रांच के ओपनिंग के लिए आई हूँ जी। और हमारी 20+ ब्रांचेज अब इंडिया में खुल गई हैं और मैक्सिमम यूपी में है और लखनऊ भी है हमारी रूही के साथ ही। और वहाँ का सक्सेस देखने के बाद अब रूही ने शाहजहाँपुर में भी खुला है। और हमारा जो MDM जो हमारा ब्रांड है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में काफ़ी लव्ड है, वो बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। जिस तरह से मैंने एक अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।